हे गाइस, कैसे हैं सब आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे आधार बायोमेट्रिक अपडेट जो किस तरह से हम चेक करेंगे और हमारा बायोमेट्रिक आधार बायोमेट्रिक कहां कहां यूज हुआ है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। गूगल पे टाइप करेंगे हम माय आधार। तो माय आधार पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें करना होगा लॉगिन। तो लॉगिन के लिए हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें डालना होगा अपना आधार नंबर, 12 डिजिट आधार नंबर। उसके बाद हमें डालने होंगे कैप्चर कोड। कैप्चर कोड डालने के बाद हम यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद हम यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें यहां पर आप ऑप्शन नजर आओगा ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। तो यहां पर हमें क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमें यहां पर डालना होगा मॉडलिटी। मॉडलिटी क्या मतलब है कि हमें किस चीज का बायोमेट्रिक हम यहां पर चेक करना चाहेंगे। यहां हम अपना आधार कार्ड कहां कहां यूज हुआ है, जैसे कि यहां पर ऑल ऑप्शन आया तो हम यहां पर पूरा डिटेल नजर आ जाएगा हमें। और यहां फिर बायोमेट्रिक या बायोमेट्रिक एंड ओटीपी, या फिर डेमोग्राफिक या फिर डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक एंड ओटीपी या फिर ओटीपी, आप जिस तरह से डिटेल देखना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड कहां यूज हुआ है वो आप यहां सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहां पर हम चलो ठीक है, हम यहां पर ओनली बायोमेट्रिक डिटेल देखेंगे कि हम यहाँ कहाँ पर यूज हुआ है। तो चलिए हम यहाँ बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें डालना होगा डेट कि हम यहाँ कब से लेके कब तक हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर चलो ठीक है, हम जुलाई चूज करते हैं और यहाँ पर टिल डेट करते हैं। चलो हम टिल डेट ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फिर फ्यूचर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। तो यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ थोड़ा सा समय लेगा। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं जिस डेट में कहाँ हमने यूज किया है, किस चीज में यूज किया। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक और यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी और ये वगैरह वगैरह यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर टिल डेट तक भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप किसी की भी आधार कार्ड की डिटेल देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आप इस डिटेल को देख पाएंगे। और ये डिटेल एक सही भी है, आप कहीं भी देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो चलिए आप जान चुके होंगे कि किस तरह से करना है और इस साइट की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक के लॉगिन करके और अपना आधार ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं कि आपका कहां कहां यूज आधार कार्ड हो रहा है। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।